नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HECL यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा और BBTEC वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहां पर लगभग सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा या फिर BBTEC कर रखा है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जानकारी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर रह सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये वैकेंसी आपकी आई हुई है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड झारखंड रांची की तरफ से। ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट नंबर। यहाँ पर बताया गया है सब्जेक्ट में इंडक्शन ऑफ 74 नंबर ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द सेशन 2022-23 एट HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वन ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग एज पर डिटेल्स। HECL की तरफ से बताया गया है ये पोस्टें जो आई हुई हैं आपकी, ये आई हुई है अप्रेंटिस के लिए। तो जो भी दोस्त हमारे हाल ही में पास आउट हुए हैं, वैसे अप्रेंटिस आप पास आउट होने के बाद 3 साल के अंदर अंदर जब चाहे तब कर सकते हो, इसके बाद में कोई भी चांस नहीं रहता है। यहाँ पर जो भी दोस्त हमारे 2019, 20, 21 और 2022 के पास आउट हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेनिंग लोकेशन आपकी झारखंड रांची रहने वाली है। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे देख सकते हैं ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी है, सिविल, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EEE, मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है आपकी 74। अब बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियर्स ग्रेजुएट यानी BBTEC वालों के लिए 10 वैकेंसी निकाली गई हैं और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी निकाली गई हैं। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए BBTEC वालों के लिए 10 वैकेंसी निकाली गई हैं, डिप्लोमा के लिए 5। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और EEE के लिए BBTEC वालों के लिए 10 वैकेंसी रहने वाली हैं और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी रहेंगी। मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियर्स के लिए BBTEC वालों के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसी रहने वाली हैं और डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पर 10 वैकेंसी रहने वाली हैं। टोटल यहाँ पर ग्रेजुएट के लिए 50 पोस्टें निकाली गई हैं और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पर 24 पोस्टें निकाली गई हैं। अगर हम बात करें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर जैसा कि ऊपर ही बताया गया है कि आपका BBTEC या फिर डिप्लोमा होना चाहिए दी गई हुई ब्रांचों में, और एटलीस्ट आपके जो है 50% मार्क होने चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 45% मार्क है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी सेम प्रोसेस रहने वाला है, 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, एटलीस्ट आपके 50 या फिर 45% मार्क होने चाहिए। और यहाँ पर आपको अदर कंडीशंस में बता रखा है, जिन भी दोस्तों ने हमारे 12 के बाद या फिर ITI के बाद में डिप्लोमा कर रखा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिन्होंने यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम या फिर करस्पोंडेंस मोड में डिप्लोमा या BBTEC कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं जैसे MEMTECH, MBA, CA, LLB, MCA वाले, ये लोग भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो भी दोस्त हमारे 2022 में पास आउट होने वाले हैं, अगर उनका रिजल्ट लास्ट डेट से पहले पहले आ जाता है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट की। तो यहां पर डिप्लोमा और BBTEC वालों के लिए जो एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम जो है एज आपकी 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। एज का कट ऑफ आपका 20 सितंबर 2022 रखा गया है और इसके साथ आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। बात करें हम रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर रहने वाला है।
और बात करें आपके ट्रेनिंग पीरियड की, तो आप सबको पता ही है कि अप्रेंटिस के लिए जितनी भी वैकेंसी जाती हैं उनका ट्रेनिंग पीरियड आपका 12 मंथ यानी एक साल का रहने वाला है। और जो डेट है आपकी रिकॉग्निंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, वो डेट आपकी रखी गई है 20 सितंबर 2022। इस तारीख के हिसाब से आपकी एज आपकी क्वालिफिकेशन काउंट की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका BBTech या फिर डिप्लोमा में आपके जो भी मार्क आए हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जो भी दोस्त हमारे इसके लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं फिर उन्हें आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे यहाँ पर लिस्ट कर दिए गए हैं। जनरल कंडीशंस में आपको बता रखा है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास नेट्स पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन जमा करना है बाई पोस्ट या फिर रजिस्ट्री, या फिर आप अगर इनके आसपास में कहीं रहते हैं तो आप इनके ऑफिस में बाई हैंड भी जमा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये प्रोफार्मा डाउनलोड करना होगा इनकी ऑफिशियल साइट से। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको अपने फ़ोटो चिपकाने हैं। यहाँ पर जितनी भी आपको जानकारी लिखनी है वो सारी आपको कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, जैसे कि आपका नाम, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, BBTech वाले हैं या फिर डिप्लोमा वाले, आप किस ईयर के पास आउट हैं, ठीक है, डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर, ग्रुप कोड आपका, ऊपर आप देख सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप कोड हैं। फिर यहाँ पर आपको फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, आपकी अगर शादी हुई है या नहीं हुई है ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। स्पाउस नेम, यहाँ पर आपकी जो है DOB जो आपकी 10 की मार्कशीट है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। और 20/9/2022 के हिसाब से जो है आपकी एज कितनी हो रही है यहाँ पर आपको अपना जेंडर लिखना है, आधार नंबर, आप किस धर्म से हैं आपको यहाँ पर नेशनैलिटी लिखनी है, डोमिसाइल स्टेट आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर जो है जो जो आपकी ज़रूरी जानकारी है वो सारी आपको फिलअप करनी है। फिर यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, फिर यहाँ पर जो है आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मांगा गया है, जैसे यहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका फ़ोन नंबर, और यहाँ पर आपसे अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर मांगा गया, आपकी ईमेल आईडी, कोई दूसरी अगर आपके पास ईमेल आईडी है, यहाँ पर आपकी 10th 12th डिप्लोमा डिग्री के बारे में सारी जानकारी मांगी गई, कौन सा कॉलेज है आपका, किस ईयर के आप पास आउट हैं, सब्जेक्ट कौन से हैं, फुल मार्क कितने हैं, कितने मार्क आपको मिले, उस हिसाब से आपका कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो है आपको बिल्कुल ट्रूली फिल करनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको डेट डालनी है और अपने सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से भरना है। फिर उसके बाद में अब आपको क्या करना है, आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं लाइक आपकी 10th की मार्कशीट, आपके डिप्लोमा या फिर BBTech की जो भी मार्कशीट है, आपके सर्टिफिकेट हैं, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं, और आपको इस वाले एड्रेस पर रजिस्ट्री बाई पोस्ट या अगर आप इसके आसपास में कहीं पर रहते हैं तो आप इनके ऑफिस में बाय हैंड भी जमा कर सकते हैं। और इस PDF में सबसे नीचे हाईलाइट करके बताया है, द कैंडिडेट शुड क्रॉस चेक ऑल द डिटेल्स फिल्ड इन द ऑफलाइन एप्लीकेशन बिफोर फाइनली सेंडिंग द सेम एज नो करेक्शन विल बी पॉसिबल लेटर। यानी यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो है अपना एप्लीकेशन भेजने से पहले पहले जो है जितनी भी इसमें जानकारी है आपको क्रॉस चेक कर लेनी है। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन सेंड कर दिया तो फिर आप इसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस PDF में जितनी भी ज़रूरी जानकारी थी वो सारी हमने आज के इस वीडियो में कवर कर ली है। तो जो भी दोस्त हमारे 2022 के अभी हाल ही के पास आउट हैं आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है ना तो यहाँ पर आपका कोई एग्ज़ाम होना है, ना ही आपकी कोई एग्जामिनेशन फीस लगने वाली है। हो जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं भी होता है तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन होकर रहिए। हम रोज़ 3 वीडियो 4 वीडियो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हो सकती हैं आपकी वैकेंसी से संबंधित लेके आते रहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।